हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने सामान्य अध्ययन श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भाग 10 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इस श्रृंखला का आनंद ले रहे होंगे और अपने जो नोट्स हैं उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी प्रश्न इस श्रृंखला में पूछे जाते हैं, जो बताए जाते हैं, जितने भी व्याख्या किए जाते हैं, तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डेली की तरह यह श्रृंखला भी शानदार होने वाली है। तो आप लोग इससे जुड़िए और चैनल से जुड़ते रहिए और अपने जो नोट्स हैं उसको बनाते रहिए, जो आपके प्रत्येक एग्जाम में, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे और आप लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। तो अभी हम लोगों की जो टीम है वो आप लोगों के लिए जो आने वाले परीक्षाएं हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कि जो अगर पेपर आ रहा है, डेट आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग आप लोगों की एक तैयारी कराएं और उसको सही ढंग से कराया जाए, कि जिससे आप लोगों के जो प्रश्न बनाए जाएंगे, जो पूछे जाएंगे, जिस तरह से बताए जाएंगे, वो आपको उस एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, तो अभी जब डेट आएंगे, पेपर का डेट आएंगे, वैकेंसियाँ आएंगी, चाहे UPP की आने वाली है 53,000 लगभग में, फिर इसके बाद CPSI की आई है, तो CPSI के तौर लेकर अभी हम लोग नहीं चल पाएंगे, लेकिन जो UPSI की वैकेंसी आएगी, समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आएगी, UPPCS 2024 की जो वैकेंसी आएगी, और IAS के लेवल का तो मान के चलिए कि एक आध सब्जेक्ट होगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इन सभी जो एग्ज़ाम्स होंगे, प्रतियोगी परीक्षा होगी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी ले लीजिए, चाहे UPRO की वैकेंसी ले लीजिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग एक प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जिस जो वो आपके उस एग्ज़ाम में मदद करेगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि उस श्रृंखला को जिस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जो प्रश्न उसमें व्याख्या किए जाएंगे, वो प्रश्न कहीं ना कहीं आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं इस श्रृंखला के पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है कि मिर्च का तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्या पूछा जा रहा है? मिर्च का तीखापन। ठीक है, ये आपके कीवर्ड हो गए आपके प्रश्न के। ठीक है, तो तीखापन पूछ रहा है कि किसके उपस्थिति के कारण हो रहा है, कैरोटीन से, लाइकोपिन से, एंथ्रोसाइनिन से, या कैप्साइसिन से। तो आप देखेंगे कि जो मिर्च का तीखापन है वो आपको कैप्साइसिन से देखने को मिलता है। ठीक, अगर बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें तो आप इस तरह से लिख लीजिए, व्याख्या के रूप में आप नोट डाउन करते चलिए, कैप्साइसिन, ठीक है, इससे होता है मिर्च का तीखापन, मिर्च का तीखापन हो गया ये। फिर लाइकोपिन आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, जिससे वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप इस तरह से भी सोच कर देखिए कि ये 10वां पार्ट है, इसके बाद 9 पार्ट पहले आ चुके हैं, तो उसके जितने भी फैक्ट आप मिलाएंगे, जितने भी चीज़ें आप उसमें नोट डाउन करेंगे, वो आपकी चीज़ें जो है विस्तार ही होगा, वो बढ़ता ही जाएगा, और उसको आप लोग पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, वन डे एग्ज़ाम तो आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो GS का सेक्शन है वन डे एग्ज़ाम के, वो तो पूरा ही हो जाएगा, और बचते जो हैं आपके रीजनिंग मैथ हो गया, और फिर इसके बाद इंग्लिश हो गया। तो रीजनिंग मैथ का जो क्लासेज हैं और जो इंग्लिश के क्लासेज हैं, तीन क्लासेज बचते हैं, तो वो लोग आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल में अभी GS की जो क्लासेज चल रही हैं वो आप लोग उसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और ये निश्चित है कि आप लोगों को आने वाले समय में रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब चीज़ की क्लास दिखेंगी, और आने वाले समय में हर एक एग्ज़ाम्स की हम लोग तैयारी कराएंगे आप लोगों के लिए, और जो टीचर्स होंगे वो आप लोगों को पढ़ाने में जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, उनका आप अनुभव के तौर पे आप लोग उनको देखिएगा और पढ़ाई को अपने सही ढंग से, सही दिशा निर्देशन में लेकर चलिएगा। ठीक, लाइकोपिन के कारण आप देखेंगे कि टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, और कैप्साइसिन तो बता ही दिए, फिर कैरोटीन की बात करें हम,
कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, देखेंगे कि जो दूध होता है अगर गाय का भैंस का, तो उसमें देखेंगे कि हल्का पीला रंग जो आता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। ठीक है, दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, गाय के दूध का। ठीक है, इससे आप लोग समझिए कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चौथा जो बचता है एंथ्रोसाइनिन। इन सभी चीज़ों से प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट ही देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल जाएंगे। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम लोग आप लोगों के लिए आने वाले समय में एक ऑफलाइन कोचिंग भी खोलेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन भी जारी होगा, उन पर हर एक चीज़ की तैयारी भी कराएंगे हम लोग, SSC के लेकर UPSC तक की तैयारी हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए, सहयोग प्रदान करते रहिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए इस प्रकार से अच्छी अच्छी चीज़ें और नए नए चीज़ों को लेकर आएंगे। और जो एजुकेशन होगा हम लोगों के लेकर, जो एजुकेशन हम लोग देखेंगे, तो YouTube तो फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा एकदम। जो हम लोग टीचर्स रखेंगे जो आपके ऑफलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें मैनेज किया जाएगा उस चीज़ को लेकर। लेकिन हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो हम लोगों का एजुकेशन होगा वो एकदम लो लेवल के जो कॉस्ट पे हम लोग कराएंगे, और जो शिक्षा है उसको एकदम अच्छे तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, सबके लिए वो चीज़ें होंगी और किसी के लिए भी वो न कम न ज़्यादा होगा, वो हर एक चीज़ जो है आप लोगों के लिए एकदम आसानी से उपलब्ध होगा हर एक चीज़। और गरीब से गरीब जो तबका है उन सभी को शिक्षा देने का हम लोगों का लक्ष्य है कि एक भारत में जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है, पूर्वांचल में देखिए चाहे यूपी बिहार में देखिए, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है उसको लेकर आप देखिए कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था है। अगर उसको सुधारा नहीं गया तो आने वाले समय में भारत की स्थिति ज़्यादा ही ख़राब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एंथ्रोसाइनिन का हम बात करें तो इसके कारण प्याज का रंग उपस्थिति के कारण रंग लाल व गुलाबी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मिर्च का जो तीखापन होता है किसके उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो कैप्सेइसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल और गुलाबी होता है। तो यहाँ पर ये जनरल साइंस के प्रश्न हैं और आपसे डायरेक्ट फ्लुएंटली या स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से ये पूछ लिए जाते हैं और ये आपको SSC से लेकर UPSC तक के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम एक बार फिर से बता रहे हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो UPSC पूछ रहा है वो SSC नहीं पूछ सकता। प्रश्न वही रहेंगे, बस स्वरूप बदल जाते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। ठीक है, आप इसको मान कर चलिए, चाहे SSC में बहुत करता है फैक्ट पूछ लेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है, वही UPSC क्या करता है, आपको मिलान करने के लिए दे देगा, वहीं पर आपको घुमा के पूछ लेगा, यही तो चीज़ होता है ना, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान दीजिए और अपने तैयारी को सही ढंग से ले चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी प्रकार के अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, क्या पूछा है, अमीनो अम्लों की उपस्थिति क्या, किस प्रकार का, सभी प्रकार के अनिवार्य। ठीक है, तो ये आप लोगों के की वर्ड हो गए कि सभी प्रकार के अमीनो अम्लों की उपस्थिति किस में नहीं देखी जा सकती है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, और सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं कि किस प्रोटीन में पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं, और अब देखेंगे कि उसमें जो अमीनो अम्लों की उपस्थिति देखने को मिलती है तो वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं किस चीज़ में। ठीक है, सभी प्रकार के अमीनो अम्ल, ठीक है, किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। सबसे पहले दूध सभी प्रकार का संतुलित आहार है, आप जानते हैं, और फिर उसके बाद जो संतुलित आहार में आते हैं, अब देखेंगे कि जो पका पपीता होता है वो आपका संतुलित आहार में आता है,
प्रत्येक प्रकार के उसमें हर एक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। और दूध जो है एक संतुलित आहार में आता है। फिर इसके बाद आप देखिए, दूध में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं सभी प्रकार के अनिवार्य, अंडे में, ठीक, फिर उसके बाद सोयाबीन में, मछली में और मांस में। मान के चलिए कि चिकन उकन, अगर मटन चिकन मटन आप खा रहे हैं तो आप लोगों को सभी प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं अनिवार्य हैं जो बॉडी के लिए, किसी ह्यूमन बॉडी के लिए, तो वो आपके इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दूध, अंडा, सोयाबीन, मछली और मांस में, या चिकन या मटन मान के चलिए, या किसी भी प्रकार का मांस मान लीजिए, तो उसमें सभी प्रकार के आपके अनिवार्य अमीनो अम्लों की उपस्थिति देखने को मिलती है। यानी कि आपका जो चावल ऑप्शन है उसमें आपके सभी प्रकार के अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं, ठीक। चावल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तो पानी ही होता है, 96% या उससे ज़्यादा के लगभग पानी ही पाया जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, हाइड्रेट का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो चावल और आलू, ठीक है। चावल और आलू जो ऐसे पदार्थ हैं, सब्जी है, ये तो सब्जी हो गया, ये तो मान के चलिए कि आप अन्न हो गया, ठीक है। तो चावल और आलू में जो सबसे अच्छे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो अमीनो अम्लों से जो डायरेक्ट जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक। सबसे पहले तो मलेरिया रोग हो गया, फिर उसके बाद औषधि हो गया और कुनैन। आपको तो ये पता हो गया कि कुनैन से जो रोग ठीक होता है वो कौन सी है, मलेरिया। और मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है, तो कुनैन जो औषधि प्राप्त की जाती है निष्कर्षण उसका, यानी कि निष्कर्षण मतलब कि निकालना या बनाना, किससे किया जाता है, ठीक है। सिनेमन की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष की छाल से या सिनकोना की छाल से। सिनकोना आप देखेंगे कि एक प्रकार का आवृत बीजी पौधा है और इसी के छाल से जो आपका मलेरिया के कुनैन औषधि जो निकाली जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं और इस तरह से आपका ये ऑप्शन सही होगा। और सिनकोना से हम लिख दे रहे हैं, सिनकोना की छाल से कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका उपयोग मलेरिया नामक बीमारी में किया जाता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से एक स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी, मलेरिया नामक रोग में किया जाता है, ठीक है। आप लोग इस तरह से स्टेटमेंट के रूप में लिखा करिए कोई भी चीज़। फैक्ट लिखेंगे, मान के चलिए कि एक एक लाइन लिखेंगे तो आपको कहीं कभी भूलने की भी आशंका हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को स्टेटमेंट या कहानी के रूप में लिख रहे हैं तो आपको कभी भी वो भूलेगा नहीं, ठीक है। रोग में किया जाता है, अगर किसी चीज़ को याद रखना है तो आप उसको लिखते रहिए, एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अगर कोई चीज़ आपको जीवन भर के लिए याद रखना है तो आप उसको गलत करिए तो आपको, अगर गलत किया हुआ चीज़ आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है, कि उसका आंसर जो होता है वो इस प्रकार से होता है। अगर वो चीज़ गलत हो जाती है आपको सॉल्व करने में तो आपसे जीवन में कभी भी दोबारा गलत नहीं होगा, आप लोग इसको मानकर चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, थायमिन, बेरी बेरी, विटामिन के,
रक्त का जमना विटामिन ए बढ़ा देता है। तो आप लोग इस बार सोच कर देखिए कि स्कॉर्बी कमल जो है वेरी वेरी, ये कौन सा है आपका, विटामिन सी है। हमें विटामिन को सिर्फ विट लिख रहे हैं, इस तरह से विटामिन सी हो गया। ये बेरी बेरी कौन सा रोग है, विटामिन ये बी है, है ना, विटामिन बी विटामिन सी का मान है। तो विटामिन के रक्त जमता विटामिन ए से क्या होता है, ये आपका रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में सबसे अच्छा विटामिन पाया जाता है, और फिर दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। रसदार फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और जो विटामिन ए है, दूध है, अंडा है, मछली है, वो भी आपका विटामिन बी में पाया जाता है, ठीक। और रक्त का जमना जो है विटामिन के आपका देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए कि विटामिन ए की कमी से यही आपका ऑप्शन गलत है कि वड़ांधता आपका वंशानुगति वाला रोग है, वंशानुगत है, लिंग संलग्नता वंशानुगत रोग है। और जो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी होता है। रतौंधी में आप देखेंगे कि दिन के समय तो दिखेगा, जैसे ही अंधेरा होता रहेगा वहाँ पर रोशनी आँख से चली जाती है। और वड़ांधता में आप देखेंगे कि उसमें लाल और हरे रंग में पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। और नीचे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि वर्णांधता एक लिंग संलग्नता, या आप इस तरह से लिख लीजिए लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है, ठीक है, जिसमें लाल व हरा रंग पहचानने में मुश्किल होता है, हरा रंग पहचानने में कठिनाई होती है। आप इस तरह से ले लीजिए कठिनाई होती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि वड़ांधता एक वंशानुगत रोग है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सल डोनर किसके लिए, मानव रक्तदान के लिए, ठीक है। रक्त समूह कौन सा है वो जो यूनिवर्सल डोनर होता है, देखिए कि बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह, ए प्लस समूह, ठीक है। तो ये आपके जो है जो रक्त समूह है ये आपका, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सर्वात्रिक दाता है यानी कि जिसका खून सबको चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, ओ ग्रुप का जो समूह है, ओ ग्रुप, वो आपका सबको चढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए ओ समूह का जो ग्रुप, जो ओ समूह का रक्त है वो सभी के लिए चढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ठीक। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, ओ समूह का रक्त सर्वात्रिक दाता होता है, ठीक है, होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, प्रतिजन नहीं पाया जाएगा तो ये क्रिया करेगा ही नहीं,
ठीक है, इसीलिए इसको सबको चढ़ाया जा सकता है, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होते हैं, सर्वग्राही होते हैं, ठीक है। ए बी रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही होते हैं, और इस व्यक्ति के रक्त समूह को, मान लीजिए कि ए बी रक्त समूह किसी व्यक्ति का है, उसको कोई भी रक्त समूह का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इस बात का समझ रहे हैं, सर्वग्राही यानी कि लेने वाला, और सर्वात्रिक दाता यानी कि देने वाला, ठीक है। ए बी रक्त समूह जो है वो सबसे ले सकता है, और ओ रक्त समूह जो है वो सबको दे सकता है, हर एक ग्रुप को दे सकता है, ठीक है। और ए बी रक्त समूह को किसी भी वर्ग का ग्रुप, किसी भी वर्ग का रक्त जो है वो चढ़ाया जा सकता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सर्वात्रिक दाता सर्वग्राही मतलब क्या चीज़ होता है, और वो ग्रुप का जो रक्त है, वो समूह का जो रक्त है वो सर्वात्रिक दाता माना जाता है, ठीक है। वो समूह का यानी कि वो सबको चढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको जो चढ़ाया जाएगा वो उसी के ग्रुप का चढ़ाया जाएगा, समझ रहे हैं इस बात का, ठीक है। कि वो समूह को हम सबको चढ़ा देंगे, लेकिन वो समूह को ना ए ग्रुप का ब्लड चढ़ेगा, ना ही बी ग्रुप का चलेगा, और ना ही ए बी का चढ़ेगा, ठीक है। इस तरह समझ लीजिए कि वो सबको दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ अपने से, ठीक, ओ समूह से, ठीक है। और बी रक्त, ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही है कि ये सबसे ले सकता है, ठीक है। ओ का भी ले सकता है, बी प्लस का भी ले सकता है, ए प्लस का भी ले सकता है, ए नेगेटिव भी ले सकता है, बी नेगेटिव भी ले सकता है, ओ नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकता है, लेकिन यह दे नहीं सकता सबको, ठीक है। यह सबका ले सकता है, लेकिन ए बी रक्त समूह है जो किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है, ठीक है। और जब ये देगा तो सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है, ठीक, समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरह से आप लोग वो सर्वात्रिक दाता और सर्वग्राही में अंतर कर सकते हैं, और उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए, सही सुमेलित नहीं है, दूधसागर, मांडवी, गुगाक, घाट प्रभा, जोग जल प्रपात, सरावती, डुडुमा, नर्मदा नदी, ये चारों के चारे आपके जो हैं ये आपके जलप्रपात हैं। और पूछा है कि किस नदी के किनारे, किस नदी पर यह जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। अगर दूध सागर की हम बात करें तो ये मांडवी नदी पर है, ठीक है। गोकाक जो जलप्रपात है वो घाट प्रभा नदी पर है, जोग जल प्रपात सरावती है, सरावती नदी पर है, और ये सरावती नदी आपका कर्नाटक राज्य में शायद अवस्थित है, ठीक है। और जोग जलप्रपात और कुंचिकल जो जलप्रपात है वो आपके भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात माने जाते हैं। कुंचिकल पहले नंबर पर आता है, जोग जलप्रपात जो है आपके दूसरे नंबर पर आता है ऊंचाई के मामले में, ठीक है। और दोनों सरावती नदी पर हैं, और दोनों देखेंगे आसपास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो हमेशा कुंचिकल जलप्रपात को ही सबसे ऊँचा जलप्रपात मानता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझेंगे। और डुडुमा जो जलप्रपात है आप देखेंगे कि ये मच्छकुंड नदी पर है, ठीक है, मच्छकुंड पर है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर धुआंधार है, जिसे धौलाधार भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर जो धुआंधार जलप्रपात है, ये जबलपुर में भेड़ा घाट पर है, ठीक है। भेड़ा घाट जबलपुर में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि डुडुमा जलप्रपात, बाकी ऑप्शन तो सही है तो उसको बताने का कोई वो नहीं होता। तो डुडुमा जलप्रपात जो है ये आपका मच्छकुंड पर है, मच्छ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मच्छकुंड का लोकेशन बताइए, ठीक। अब बात करें हम नर्मदा नदी, यहाँ पर नर्मदा लिख रहे हैं, नर्मदा नदी, इस पर आपका धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, ये आपका भेड़ाघाट में है, मध्य प्रदेश में और जबलपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो हम इसको लिख दे रहे हैं कहाँ पर है, भेड़ाघाट। आप यहाँ पर जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी के जो जल का वेग है इतना तेज होता है यहाँ पर, और ये ज़्यादा ऊँचा जलप्रपात नहीं है, 10-11 मीटर का है, लेकिन बहुत ही तेज़ी से गिरता है जलप्रपात यहाँ पर, जो जलप्रपात का निर्माण करता है नर्मदा नदी का जल,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना तेज़ गिरता है कि वो धुआं की तरह वहाँ पर उठता है, फुहारे की तरह इतना तेज़ी से उठता है, जैसे लगता है कि वहाँ पूरा धुआं धुआं हो गया है फुहारा। तो इस प्रकार से इसे धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। ठीक, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट अगर खड़े हो जाते हैं इस जलप्रपात से पर, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पर पूरे पानी से भीग जाएंगे, इतना वहाँ पर फुहारे के टाइप का वो जलप्रपात उठता है वहाँ से। ठीक है, भेड़ाघाट कहाँ है? जबलपुर एमपी। आप लोग कभी MPPSC MP में मध्य प्रदेश में अगर जाते हैं पेपर ऊपर देने, एग्जाम एग्जाम देने जाते हैं, तो आप लोग भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाने कर देखने पर। ठीक है, तो ये आपका जो डुडुमा है आपका मत्स्य कुंड पर है, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, बाकी ऑप्शन जो है वो आपके सही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही आपका जो था गलत था। तो हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो भारत है उसको कर्क रेखा जो है आपको, ठीक है, कर्क रेखा जो है उसको भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अब पूरा भारत को देखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो पूरे भारत को दो भागों में विभाजित करती है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मेघालय में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ कर देखिए, हम मैप बना दे रहे हैं। ठीक है, हम मैप से आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि किस तरह से वो होता है। ये तो आप लोग को बताया ही है कि कर्क रेखा किसे बोलते हैं, कि वो भी आप लोगों को बताएं। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिए मैप, और आप लोग इसको दर्शा लीजिए। ठीक है, मैप बनाकर आप लोग दर्शा लीजिए, और यहीं से होकर कर्क रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा और इधर बना रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा पूरा एकदम वो मैप दिखेगा। ठीक है, इस तरह से है, समझ रहे हैं? इस तरह से इसको लाइए, थोड़ा सा और बना देते हैं। ठीक, इस प्रकार से है आपका भारत। ठीक है, और कर्क रेखा ऐसे ही आपकी गुजरती है ऐसे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कौन से उत्तरी अक्षांश है? कौन सा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 23.5 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए इस तरह से 23:30। ठीक, समझ रहे हैं? इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कर्क रेखा को, यही आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा, चाहे इसको आप इस तरह से लिखिए, चाहे इसको इस तरह से लिखिए, दोनों की बात बराबर ही है। ठीक है, और ये उत्तरी अक्षांश है। कहाँ से है? उत्तरी अक्षांश, ये भी आप लोगों को याद रहेगा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से जो से होकर गुजरती है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा के बारे में है कि उत्तरी अक्षांश से इसको 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, 23 / 1/2, और फिर उसके बाद 23.30 डिग्री भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये आपके 8 राज्यों से गुजरते हैं। पहले पर आप देखिए, यहाँ पर गुजरात हो गया। ठीक है, हम पूरा नहीं नाम लिखेंगे क्योंकि वो आएगा ही नहीं। ये आपका गुजरात हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश लिख लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद झारखंड हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया।
फिर उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए कि त्रिपुरा यहाँ पर है, यहाँ पर है त्रिपुरा आपका, और यहीं पर आपका है मिजो, यहीं पर आपका है मिजोरम, ये नीचे है। तो थोड़ा आप मान के चलिए कि ऐसे घुस जाता है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मिजो, मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 राज्य जो हैं आपके कर्क रेखा पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग, चलिए हम इसको इस तरह से मैप्स में, तो आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आप लोग लिख दे रहे हैं कि आप लोग उसको लिख लीजिए कि आप जो आपको नोट डाउन नोट करने में सही रहेगा, ठीक है। तो आप मैप बना कर लिखिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। पहले पर आता है गुजरात, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, पांचवे पर झारखंड, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, और इसके बाद मिजोरम, ठीक। ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मिजोरम ये क्या है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, समझ गए। और अगर आप ऐसे जाएंगे, ये तो आपका पश्चिम से पूर्व हो गया, अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपका क्रम पूछता है, ठीक है, समझ रहे हैं, पूछता है। अगर पूछ दे मानक समय रेखा, मानक समय रेखा आप जानते हैं क्या होती है, मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसको 82 अंश 30 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 82.5 डिग्री लिखिए, ठीक है। यह क्या है, मानक समय रेखा मध्यान्ह रेखा है, जो भारत के बीचों बीच 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये ऐसे जाती है और मानक समय रेखा ऐसे आती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है आपका कर्क रेखा जाती है, वर्टिकल जो है आपका मानक समय रेखा आती है। अगर पूछ रहे मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही रेयर प्रश्न है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और मानक समय रेखा वो एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ कर देखिए, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ये आप लोगों के कर्क रेखा और मानक समय रेखा, और ये 5 राज्यों से होकर जाती है। अब देखेंगे कि ये जो 5 राज्य हैं मानक समय रेखा का, वो लोग आप लोग क्रम से लिखिए, या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से भी ये होकर जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है मेघालय राज्य से होकर नहीं जाती है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। मैप बनाकर लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसे लिखना है तो लिख लीजिए, और बाकी चीज़ें हम लोग चलती है, हम लोग चलते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे विशालतम हिमनद है, हिमनद, ठीक। हिमनद आप समझ रहे हैं यह शाब्दिक अर्थ है, अगर हम इसको ग्लेशियर लिख दें, ग्लेशियर, तो आप लोग समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है भारत में और कहाँ अवस्थित है, हिमालय में है। तो हिमालय में जो ग्लेशियर सबसे विशाल ग्लेशियर माना जाता है वो है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हिमनद को इंग्लिश में ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ग्लेशियर, ठीक। तो इसकी ऊंचाई आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी कितनी ऊंचाई है। अगर हम सियाचिन की बात करें, सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंचाई है आपके 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर नहीं, ये विशाल पूछ रहा है ना, तो लंबाई हो जाएगा 76 किलोमीटर, तो आपका एवरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है आप देखेंगे कि 76 किलोमीटर है,
फिर उसके बाद गंगोत्री के देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर है जो वो आपका उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक, तो गंगोत्री का जो ऊंचा आप देखेंगे कि लंबाई है वो आपका 26 किलोमीटर है। ठीक है, ऊंचाई की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका लंबाई की बात है। ठीक है, 26 किलोमीटर तो आप देखेंगे कि एवरेस्ट ही 8848 मीटर ऊँचा है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर वही है, तो ये 76 किलोमीटर होगा, तो आप सोचिए कि वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो 26 किलोमीटर है गंगोत्री। और फिर उसके बाद है ससायनी, ससायनी ग्लेशियर। ससायनी ग्लेशियर की जो लंबाई है आप देखेंगे 17.85 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। जेमू ग्लेशियर, चलिए हम आपसे एक आसान प्रश्न पूछते हैं, यह होगा 5 किलोमीटर है। ठीक, आप सिर्फ एक बात कमेंट करिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट करिए, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर पाए जाते हैं, कितने मीटर, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, देखिए कितने लोगों को पता है। चलिए सबसे आसान प्रश्न है, अगर आप लोग अगर डिस्टेंस तय करते हैं, दूरी तय करते हैं, तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कितने मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि उसमें शब्दों को ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ नदी का नाम दिया है, उसके बाद जो परियोजना बनाई गई है उसके में नदी पर उसके बारे में दिया गया, दूसरी तरफ वो किस लिए प्रसिद्ध है उसके बारे में दिया गया। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, इडुक्की तापीय शक्तिगिरी, रामगंगा बहुद्देशीय परियोजना। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या ऐसा है कि जो गलत लग रहा है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं लग रहा है? मुझे तो इडुक्की परियोजना है, आप देखेंगे कि केरल के पेरियार नदी पर है और यह एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तापीय शक्ति गृह नहीं है, यह एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो आप लोग इसमें की पॉइंट जुड़िए कि कौन सी चीज़ किस राज्य में अवस्थित है और वहाँ का जो लोकेशन है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखिए, और वहाँ पर तभी आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप लोग नहीं भी पढ़े हैं तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस लिए प्रसिद्ध होगा। ठीक है, इडुक्की परियोजना जो है वो सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है और बाकी ऑप्शन आप लोगों का सही है। तो अगर इडुक्की के बारे में बात करें, इडुक्की परियोजना, इडुक्की यह केरल में पेरियार नदी पर है। ठीक है, केरल में पेरियार नदी पर एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, सिंचाई परियोजना है। और आप लोग तापीय शक्तिगृह परियोजना जो है, तापीय एक परियोजना का नाम आप लोग तापीय शक्ति गृह वाला उसका कमेंट बॉक्स में करिए। तापीय शक्ति गृह परियोजना सिर्फ एक, ठीक, ज़्यादा नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे हैं, तो आप लोग सिर्फ एक जो तापीय शक्ति गृह परियोजना है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चलिए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, ठंडी जलधारा, जलधाराएं जो हैं महासागरों पर उत्पन्न होती हैं, और जो एक ठंडी और गर्म जो होती हैं, ठीक है, ठंडी भी होती है और गर्म जलधारा भी होती है। ठीक है, तो हम आपको अभी मैप बना कर बताएँगे कि ये चारों जलधाराएँ जो हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ठंडी जलधारा क्या होती है और गर्म जलधारा क्या होती है, सागरीय महासागरों पर ये उत्पन्न होती है। ठंडी जलधारा के बारे में अगर हम बात करें, ठंडी जलधारा, ठीक है,
आप लोग जलधारा तो समझ ही रहे हैं कि एक हवा होती है, हवा का बहुत तेज प्रवाह होता है, उसे ठंडी जलधारा कहते हैं। और सबसे तेज जो प्रवाह होता है जिस जलधारा का होता है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, वो आपका मेक्सिको की खाड़ी में चलती है। ठीक कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के मेक्सिको की खाड़ी में आपकी जो सबसे तेज गल्फ स्ट्रीम चलती है वहाँ पर वो चलती है। ठीक है, अब ठंडी जलधारा के बारे में बात करें तो यह जलधारा वो जलधारा होती है जो ध्रुवों से, इस बात का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव से चले चाहे दक्षिणी ध्रुव से चले, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। भूमध्य रेखा कह रहे हैं, विषुवत रेखा की तरफ चलती है। विषुवत, ठीक है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, आप इसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम विषुवत रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये हमको ज़्यादा सूटेबल लगता है, विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होती हैं। ठीक है, प्रवाहित होती हैं। तो हम जब बताएंगे आपको मैप बनाकर हम बताएंगे कि कौन सी जलधारा कहाँ पर चलती है, ठीक, किस तट से होकर चलती है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो ठंडी है कि गर्म है, इनमें से कौन सी जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा। अब इसके बाद हम गर्म जलधारा के बारे में बात करें। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? ठीक है, वह जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक है, ध्रुवों की तरफ चलती है या प्रवाहित होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्रवाहित होती है। ठीक, कि अभी इसको मैं बनाकर बता दे रहे हैं कि ठंडी जलधारा वो जलधारा होती है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, गर्म जलधारा जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती है। ठीक, इसको एक बार आप मैप बनाकर समझ लीजिए। ठीक है, पृथ्वी माना जाता है गोल है, लेकिन अगर आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये गोल तो है नहीं, उबड़ खाबड़ है, कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर महासागर है, कहीं पर पर्वत है, तो उबड़ खाबड़ है, ऐसे एक काल्पनिक रेखा बना दिया जाता है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है? अपने सतह पर चपटी है, अंडाकार है। ठीक है, पृथ्वी, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वो गोल है। ठीक, इसको एक बार हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है? गोल है। इसको आप ये अपने 23.5, अरे आप देखेंगे कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इक्वेटर है आपके, पृथ्वी को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा है। ये क्या है? 0 डिग्री है। इसको क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। हम विषुवत रेखा लिखेंगे, भूमध्य रेखा हमको थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता है कि भूमध्य सागर भूमध्य रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। इससे यहाँ पर सूर्य जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ पर सूर्य की जो किरण है ना, सूर्य की किरण वर्ष भर लंबवत चमकती है। ठीक है, वर्ष भर ये लंबवत यहाँ की किरण इस पर विषुवत रेखा पर चमकती है। ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ से जो हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, ऊपर की तरफ चली हवा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए नॉर्थ पोल, ठीक, यहाँ पर साउथ पोल। ठीक है, ये यहाँ से उठी तो यहाँ से भी तो उठी हवा नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो हवाएं उठेंगी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, वो कौन सी हवा होगी? ये होगी आपकी गर्म जलधारा। ठीक है, गर्म हवा। ठीक है, जलधारा को हवा भी लिखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो हवा ही होता है, हवा का बहुत तेज स्वरूप माना जाता है। ठीक है,
तो जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहेगी वो होती है गर्म जलधारा। ठीक है, यहाँ पर भी गर्म हो गया, गर्म हवा। ठीक, ये गर्म हवा होगा और यहाँ से जो हवा चली, आप जानते हैं कि हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है। ठीक है, हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है और ऊपर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तो जो हवा में नमी होती है वो बर्फ़ बनता है और वो कहीं ना कहीं ऊपर से जब नीचे आती है, भारी होकर नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं बैठती है। ठीक है, तो वही जब वो करंट एकदम चलने लगता है, साइकिल चलने लगता है तो हवा का स्वरूप ले लेता है और उसमें आप देखेंगे कि कोरियोलिस बल है, फिर उसके बाद फेरल का नियम है वो काम करते हैं। इन फेरल का नियम, कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, हवा कैसे निर्माण होता है वो बाद में बात चीज़ें हैं, वो सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना समझेंगे कि कौन सी जलधारा कब गर्म होती है कब ठंडी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो जलधारा साउथ पोल से विषुवत रेखा या दक्षिणी ध्रुव से जो विषुवत रेखा की तरफ गई तो ये आपकी ठंडी जलधारा मानी जाती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ठंडी हवा है, क्योंकि इसमें नमी बहुत ज़्यादा है, ये ठंडी होकर भारी हो रही है और नीचे गिर रही है तो इसलिए ये ठंडी हवा जलधारा कहलाती है। तो यहाँ से भी तो हुआ, यहाँ से भी तो नीचे आई। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से भी तो नीचे आई तो इसे भी क्या कहेंगे, ठंडी जलधारा कहेंगे, ठंडी हवा कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने वाली हवा को गर्म हवा कहते हैं और ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलने वाली हवा को वो ठंडी हवा होती है। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं इन चारों जलधाराओं के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पर बहती हैं, कैसे बहती हैं। एक बार आप मैप समझ कर देख लीजिएगा, अगर मैप हमसे नहीं बन रहा है सही से विश्व का तो आप उसको अपने से समझ लीजिएगा, हम बता देंगे कौन सा एरिया कहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, हम मैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमको। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, देखिए अगर बन जाए तो ठीक ही बात है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये आपका, और आप देखेंगे तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो नोट्स हैं आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, कि ये आपका इस तरह से आता है यहाँ से पूरा लेकर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग विश्व का मानचित्र बना लीजिए। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक समझ रहे हैं, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका यूरोप है। ठीक, और ये वाला जो एरिया है ये मान के चलिए कि रसिया है। ठीक है, रूस हो गया, इसको हम थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, इसको हम ऐसे ले ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये आपका यूरोप हो गया और ये आपका रसिया हो गया। ठीक, ये आपका एशिया हो गया। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई मैप, और यही आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका, इसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए कितने अच्छे से, ये आपका क्या है, यही एस आकार की आकृति बनाता है, यही आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक, ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ अटलांटिक है, ये आपका साउथ अटलांटिक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ठीक, और यहीं से आप देखेंगे कि विषुवत रेखा होकर गुजरती है,
यही आपकी क्या है, 0 डिग्री है, समझ रहे हैं। तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये आपका अरब सागर है, ठीक है। इधर आपका ये अफ्रीका का जो क्षेत्र है, देखेंगे कि यहाँ पर मेडागास्कर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये मेडागास्कर है, तो ये अरब सागर है, और ये पूरा का पूरा जो है ये आपका हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशांत है, ठीक। ये नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक, ठीक। अब बात करते हैं कि जलधाराओं के बारे में, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो बेंगुएला की जलधारा है, सबसे पहली बात हम इसी की करते हैं, बेंगुएला की जलधारा देखेंगे कि वो आपके पश्चिमी अफ्रीका से वो आपको चलती है, ठीक है। अगर हम कोई और देख रहे हैं कि इसको हम बना लेते हैं किसी और कलर से, अगर देखें चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैक से ही बनाएंगे, ठीक। ये आपकी बेंगुएला की जलधारा है, ठीक है। ये क्या है, बेंगुएला की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, समझ रहे हैं। तो ये कहाँ से चल रही है, इसकी प्रवाह की दिशा जो है, आप यहाँ से साउथ पोल से, ठीक है, साउथ पोल से आप देखेंगे कि ये ऊपर जा रही है, यानी कि कौन सी जलधारा हो गई, ठंडी जलधारा हो गई, समझ गए। यहाँ पर आप देखिए कि ओयासियों की धारा है, ठीक है। ये पूर्वी एशिया से लेकर आप देखेंगे कि जो पूर्वी रसिया है उसके तटीय क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर आपका जो ओयासियों की जलधारा है, ठीक है, कौन सी जलधारा है, ओयासियों की जलधारा, ये समझ में आई, ये चीज़ें देख रहे हैं आप लोग, ठीक। ओयासियों की जलधारा है आपकी, वो आपका ये है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का मैप कट रहा होगा, तो ये आप लोग इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। अफ्रीका पे भी कट रहा है, सब कट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से समझ जाएंगे, हम पूरा एकदम अच्छे से, ये पूरा एकदम अगर नहीं आएगा तो आप लोगों को चीज़ें समझ में ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। हम ऐसे बना दे रहे हैं थोड़ा छोटे में, तो जो संसाधन होते हैं ना वो इंसान को उसमें मैनेज करना पड़ता है, तो ठीक। तो ये आपका साउथ पोल से आप देखेंगे कि ये साउथ पोल से आपकी जलधारा जो निकल रही है, ठीक, साउथ पोल से। तो यहाँ पर बेंगुएला की जलधारा, ठीक, और ओयासियों की जलधारा आपकी देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल से ही तो आ रही है, नीचे की तरफ आ रही थी, ये भी क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। अगर अगुलहास जलधारा की हम बात करें तो कैसे चलती है, वो यहाँ से चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है, ये है आपकी अगुलहास जलधारा, ठीक है, ये आपकी अगुलहास जलधारा है। तो ये इसकी प्रवाह दिशा क्या है, इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ है, भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ आ रही है ये जलधारा, आप देखिए यही तो आप इक्वेटर है, ये जो 0 डिग्री है, यहाँ पर इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यही जो जलधारा है आप देखेंगे कि पूर्वी अफ्रीका के तट से होकर अगुलहास जलधारा मेडागास्कर के बीचों बीच होकर वो जाती है कहाँ, साउथ पोल की तरफ, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और यहीं पर आप देखेंगे कि यही जो है नॉर्थ अटलांटिक में यही जलधारा जो है आपकी कनारी जलधारा है, ठीक है, कनारी जलधारा है। तो ये कहाँ से आ रही है, नॉर्थ पोल से आ रही है, ठीक है, नॉर्थ पोल से आ रही है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी जलधारा ऐसी है जो आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये भी ओयासियों भी जलधारा जो है, आप देखेंगे कि ओयासियों जलधारा ये भी नॉर्थ पोल से आ रही है, कनारी जलधारा जो है वो भी नॉर्थ पोल से आ रही है, और बेंगुएला की जलधारा जो है साउथ पोल से ध्रुव भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रही है, और जो अगुलहास की जलधारा है वो आपकी भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ चल रही है, यानी कि अगुलहास जलधारा जो है वो आपकी ठंडी जलधारा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ये आपकी पूरे जो मैप है वो आप लोग समझ कर देखिए किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जलधाराओं के बारे में जो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़, एक फैक्ट आप लोगों के बारे को बता देंगे कि कौन कौन सी किस प्रकार से चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्ट के रूप में, ठीक है। एक बात आप ध्यान के देखिए कि अगुलहास जलधारा जो है वो आपके पूर्वी अफ्रीका तट से होकर वो चलती है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों को दक्षिण ध्रुव की तरफ बहती है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया, ठीक है, अगुलहास जलधारा, ठीक है। और एक बात और याद रख लीजिए कि कनारी जलधारा, ये प्रश्न आप लोगों को कभी किसी भी एग्ज़ाम में देखने को बहुत रेयर ही केस में किताबों में मिलता है, और आप इस तरह से सोच कर देखेंगे कि कौन सी जलधारा किस प्रकार से कार्य करती है। कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक
महासागर, महासागर में चलने वाली जलधाराओं का चक्र पूरा करती है, जलधारा चक्र पूरा करती है। हम जलधारा चक्र लिखेंगे, ठीक है, जलधारा चक्र पूरा करती है। ये बात समझ में आई। हमने जलधाराओं के बारे में देखा और समझने का प्रयास किया कि कौन सी जलधारा ठंडी होती है, कौन सी जलधारा गर्म होती है, और चारों जलधाराओं का लोकेशन हम लोगों ने देखा और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार की जलधाराएं जो हैं वो ठंडी गर्म होती है, ठीक। और कनारी जलधारा के बारे में हम लोग एक विशेषता जाने कि वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाले जलधाराओं का जलधारा चक्र पूरा करती है, ठीक। तो आप इस तरह से देखिए कि मान लीजिए कि एक इस तरह से जलधारा चली और फिर ऐसे चली जलधारा, यहाँ से चली जलधारा, फिर यहाँ से चली जलधारा, फिर यहाँ से जलधारा जो चल रही है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये समझ रहे हैं, यहाँ से जो जलधारा चल रही है, तो यही जो जलधारा है ये आपकी कनारी है, कनारी जलधारा है, ठीक। तो आप समझिए इस तरह से जो जलधाराएँ चल रही हैं तो ये आखिरी जलधारा जो है ये यहाँ से आकर कंप्लीट कर रही है, तो यही आपकी कनारी जलधारा है, ठीक। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जलधाराओं का जो सेक्शन है वो समझ में आएगा। और अगर कभी हमको ज्योग्राफी पढ़ाने का, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता है तो मैं आपको जलधारा इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो कभी आपको जीवन में भूलेगा नहीं कि कौन सी जलधारा है, वो किस प्रकार से जलधारा, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, किस महाद्वीप में बहती है, कौन सी जलधारा कहाँ पर बहती है, ठीक है। इस प्रकार से अगर क्लाइमेटोलॉजी हमको पढ़ाने को मिलेगा तो हम आपको एकदम अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को विस्तार से बताएंगे जो आपको कभी जीवन में भूलेगा नहीं। और मानसून आप लोगों के लिए एकदम बाएं हाथ का खेल रहेगा कि मानसून क्या होता है, मानसून किस प्रकार से है और हवाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे लेकर कि आप लोगों को वो कभी जीवन में भूलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, आंग्ल नेपाल संघर्ष, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। एक तरफ युद्ध दिया है और उससे संबंधित गवर्नर जनरल जो है उनके बारे में दिया है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन सा जो गवर्नर जनरल है, आप लोग तो हेक्टर मुनरो को गवर्नर जनरल मत मानिए क्योंकि ये 1764 का युद्ध है और 1764 का युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कोई नहीं था, वहाँ पर गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी, ठीक, समझ रहे हैं। वो तो 1773 के अधीन बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था ना, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, आंग्ल नेपाल संघर्ष जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह युद्ध कब कब हुए हैं, ठीक है। बक्सर की बात करें, बक्सर का युद्ध तो निर्णायक युद्ध था, ठीक है, बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ, 1764, समझ रहे हैं, 1764, और इसमें कौन है, हेक्टर मुनरो। और ये इतना कुशल सेनापति निकला अंग्रेजों का कि पूछिए मत। बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और दिल्ली सल्तनत मुगल सम्राट तीनों एक साथ हार जाते हैं और 1764 के बाद आप देखेंगे कि भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं बचती है, ठीक, इस बात का समझ रहे हैं। जब केंद्रीय शक्ति नहीं बचेगी तो अंग्रेज जो हैं यहाँ पर तबाही मचाने के फिराक में रहेंगे, ठीक। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, सॉरी, तृतीय आंग्ल मराठा, अगर इसकी हम बात करें तो यह युद्ध लड़ा गया था 1817-18 में, ठीक, 1817-1818 में। तो आप सोच के देखिए क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ पर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस तो 1786 का अधिनियम के तहत आया था ना, और उसके बाद तो फिर लॉर्ड वेलेजली आ गया, ठीक है। तो वेलेजली के बाद जो आया वो आपका 1817-18 में होगा, ठीक है। तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स। आपका आंसर में आंसर मिल गया
यानी कि तृतीय एंगल मराठा युद्ध से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं है, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप देखेंगे कि जितना भी कहा जाए वो कम ही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जो काम किए, प्रशासनिक सुधार किया, फिर विभागों का बंटवारा किया जिसे पृथककरण का सिद्धांत कहते हैं, फिर पुलिस कोड बनाया, फिर उस जिसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, फिर इसके शासनकाल में ही आप देखेंगे कि जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने कार्य किया है भारत में, ठीक है। वो आपके शोषण कार्य व्यवस्था का ही भाग है, लेकिन आप देखेंगे कि उस इसके जो कार्य किए गए भारत में वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, ठीक है। प्रशासन में आज भी आप लोग बंटवारा देखेंगे, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और इसी युद्ध में आप देखेंगे कि चार आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक, चार आंग्ल मैसूर युद्ध में आप देखेंगे कि पहले जो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हैदर अली के साथ हुआ, जिसमें अंग्रेज जो हैं पराजित हो गए, ठीक। दूसरा युद्ध हैदर अली के साथ हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसमें हैदर अली मारा गया। तीसरे युद्ध में आप देखेंगे कि उसका बेटा टीपू सुल्तान आता है, और तीसरे युद्ध में संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की, और चौथे युद्ध में आप देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1799 में। आप यहाँ पर देखिए 1799 में आपके लॉर्ड वेलेजली हैं, और लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो ये साम्राज्यवादी विस्तार नीति को लेकर चलता था बंदा, और इसने सहायक संधि लागू किया था। सहायक संधि जो लागू किया गया, किस राज्य के साथ पहला सहायक संधि लागू किया गया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली, ये लोग तो ये तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मैं तो आप लोगों से ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता हूँ, आसान आसान से जो सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो सहायक संधि जो प्रणाली लागू करने वाला कौन सा है राज्य है, और सहायक संधि आप देखेंगे कि किसके साथ पहली बार लागू किया गया था, तो अवध है, वो कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के साथ ही सहायक संधि किया था पहली बार, ठीक है। तो आप देखिए कि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है 1799 में, और उसमें जो आपके बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो आपके लॉर्ड वेलेजली हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की, ठीक है। वैसे आंग्ल नेपाल संघर्ष होता है इन लोगों का, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये होता है 1813 ईस्वी में। 1813 में होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन से हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग नहीं है, सिर्फ लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, ठीक है। वारेन हेस्टिंग तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग, ठीक। तो यहाँ पर आपके चार युद्ध कंप्लीट होते हैं, उससे जो कब कब हुआ था और उससे जो गवर्नर संबंधित है, गवर्नर जनरल और गवर्नर संबंधित है वो हो गए, और इससे आप देखेंगे कि आपका प्रश्न बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है, सन भी पूछता है, और उस युद्ध से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है ये भी पूछता है, ठीक है। हमने मिलान करने के लिए दिया, हम मिलान करने वाले प्रश्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपका एक ही प्रश्न से आप लोगों के 4, 5, 6, 8, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखिए इसमें कितने प्रश्न सॉल्व हो गए, आपका 4 प्रश्न तो इसी में सॉल्व हो गया पूरा, और फिर ये 4 सन भी हो गए, तो 8 प्रश्न आपके पूरे सॉल्व हो गए, और जो हमने विशेषताएँ गवर्नर जनरलों की बताएं उसको मिलाकर आपके 8 से 10, 12, 15 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए कि आप एक प्रश्न 10-12 फैक्ट लिख रहे हैं, 10-12 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग कितने सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अपने तैयारी को सही दिशा निर्देशन में सही तरीके से करिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आप लोगों को सफलता जो है ज़्यादा पाने की, सफलता जल्द ही पाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत सेवक मंडल की स्थापना कब की गई थी। मेरे ख्याल से इस श्रृंखला का सबसे टफ प्रश्न जो है यही है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग कभी भूल कर भी ऐसे प्रश्न हल मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा गलत होगा। भारत सेवक मंडल, ठीक है, भारत सेवक मंडल को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो क्या कहा जा सकता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यही तो कहेंगे ना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि भारत सेवक मंडल, ठीक। उसको हमने हिंदी में लिख दिया, और अगर उसको इंग्लिश में लिखा जाए तो भारत सेवक मंडल, और किसका है ये, गोपाल कृष्ण गोखले का। देखिए अब प्रश्न आसान हो गया, ठीक है। तो अगर प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वो प्रश्न आप लोगों के लिए एकदम
बहुत ही आसान होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उसको छोड़ दीजिए, नहीं आएगा तो नहीं करिए, ठीक है। लेकिन प्रश्न समझने के प्रयास जरूर करिए। भारत सेवक मंडल जो आप लोग नाम बहुत ही कम मिलता है सुनने के लिए, अगर उसको हम इंग्लिश में सिर्फ रूपांतरण कर दें कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग उससे समझ जाएंगे। यह हुआ था 1905 में, और 1905 में ही आप देखेंगे कि बंगाल का विभाजन भी होता है, 1905 में ही आप देखेंगे कि अभिनव भारत समाज की स्थापना भी होती है, ठीक है। अभिनव भारत समाज किसकी है? वी डी सावरकर की। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सेवक मंडल है क्या चीज़, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हम अब इसको लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी समझने में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए आसान हो गई ना, इंडिया सोसाइटी। इस तरह से आप लोग प्रश्नों को आसान बना सकते हैं, और जो जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में देखेंगे आप लोग, कि अब तो लेवल इतना हाई हो गया है कंपटीशन का, कि अगर आप लोग अपने अगर किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र की तैयारी करें, अगर उससे ऊपर उठकर आप तैयारी नहीं कर करेंगे तो आपका वो पार्टिकुलर क्षेत्र जो है वो क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा। आपको उससे हटकर अलग होकर थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसी को क्या कहते हैं? भारत सेवक मंडल, ठीक है। सेवक संस्था बोलिए, सोसाइटी का मतलब वही होता है ना, समाज होता है, संस्था होता है, मंडल होता है, आप कुछ भी बोलिए, जो सूटेबल शब्द बैठता है किसी चीज़ में उसी को यूज किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश के शब्द ऐसे होते हैं, वो चाहे हिंदी के 4-5 शब्द ऐसे होंगे, उसका शब्द इंग्लिश में एक ही होगा, ठीक है, ठीक। तो जैसे कि आप देखिए कि अंकल, अंकल शब्द ऐसा है इंग्लिश में, इसमें चाचा भी आता है, मामा भी आता है, काका भी आता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में उसके अर्थ जो हैं वो आपके अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। भारत सेवक मंडल, तो इस तरह से आप लोग वहाँ पर अंग्रेजी के शब्द को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देखिए, भारत सेवक मंडल की स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1905 में। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, आप समझ रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक। इतने सारे हम आपको फैक्ट बताते हैं, कम से कम चैनल से जुड़ते हैं तो चलिए, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, और इनके गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य का क्या नाम है आप बता सकते हैं? शिष्य का नाम तो बहुत ही फेमस है, शिष्य का नाम महात्मा गांधी, महामहिम महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी शिष्य का नाम, ठीक है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो उद्देश्य है, आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य भारत के नौजवानों को शिक्षित करना था, भारत के नौजवानों को शिक्षित करना था, नौजवानों को शिक्षित करना था, ठीक है, शिक्षित करना था। और जिसके पास शिक्षा रहेगी, आप लोग इस तरह समझ के देखिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रही थी। अगर कोई शिक्षित रहेगा तभी वो भारत के विकास में योगदान दे सकता है, ठीक है। अनपढ़ लोग तो सिर्फ क्रांति कर सकते हैं ना, विद्रोह कर सकते हैं, तो जो शिक्षित है वो आप लोग समझदारी से वहाँ पर काम करेगा और जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करते हुए चल देगा। जैसे महात्मा गांधी को देखिए, फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, भीमराव अम्बेडकर हुए, ये लोग जो हैं आप देखेंगे कि ये लोग समझदार व्यक्तियों में आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं अच्छे तरीके से, कि वो किस तरह से भारत में आज़ादी में योगदान दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार से सोच कर देखिए, अगर महात्मा गांधी जाकर वहाँ पर क्रांतिकारी बन जाते, ठीक है, वहाँ पर हिंसक गतिविधि कर लेते, तो आप सोचिए कि भारत का जो आज़ादी का स्वरूप है वो कितने लाशों पर आज़ादी हम लोगों को मिलती। और महात्मा गांधी का जो नज़रिया है अहिंसा को लेकर, वो पूरे दुनिया का इतिहास अगर उठा कर देखेंगे कि जितनी भी क्रांतियाँ आप देखेंगे दुनिया में,
वो पूरा एकदम हिंसक क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे फ्रांस की क्रांति उठाइए, चाहे रूस की क्रांति उठाइए, चाहे अमेरिका की क्रांति उठाइए, ठीक है। और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की अगर हम बात करें, ब्रिटेन वाले तो इतने चलाक हैं कि उन लोगों की जो क्रांति हुई वो गौरवपूर्ण क्रांति बोली जाती है, रक्तहीन क्रांति बोली जाती है। सोच कर देखिए कि वो लोग कितने चलाक हैं, ठीक है, कि जनता ने जो मांग किया वो उनको दे दिए, लो भैया जो तुम लोग हमारे ही हो ले जाओ, ठीक है, अधिकार चाहिए ले जाओ, व्यापार में छूट चाहिए ले जाओ, चाहे व्यापार करना है कहीं और जाकर ले जाओ, ठीक। तो उन लोगों ने उस तरह से काम किया, इसीलिए वहाँ की क्रांति जो है गौरवपूर्ण और रक्तहीन क्रांति बोली जाती है। और भारत में वही चीज़ आप देखेंगे कि अगर महात्मा गांधी अहिंसा का पालन नहीं करते तो हिंसा बड़े पैमाने पर भारत में देखने को मिलती, ठीक है, इस बात को आप मानिए, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि भारत सेवक मंडल है, भारत सेवक समाज मान लीजिए, ठीक है, भारत सेवक संस्था मानिए, तो उसको जब हम लोग इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज या मंडल। उसकी स्थापना जो किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम जो है महादेव गोविंद रानाडे है, और शिष्य का नाम महात्मा गांधी है। और जो महात्मा गांधी हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, ठीक है, यह भी प्रश्न पूछता है, राजनैतिक गुरु, ठीक। यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते चलिए और अपने नोट्स को बनाते चलिए। चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। किसका बात कर रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद, और कौन सा संविधान है, भारत का संविधान है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। 21 आपका देखेंगे कि 21 अनुच्छेद जो है आपका संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात का। तो जो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है, ठीक है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि जो आपके मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार, हम मूल अधिकारों पर नहीं जाएंगे कि कौन कौन से हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि छह प्रकार के मूल अधिकार हैं। फिर यह लिया गया अमेरिका के संविधान से, ठीक है, अमेरिका के संविधान से, ठीक। हम आपको एक विशेषता बताते हैं संविधान की, ठीक। भारत का संविधान को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भारतीय मनुष्य, प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, वो जहाँ तक सोच सकता है अपने अधिकारों के बारे में, ठीक है, जहाँ तक सोच सकता है, उसकी सोच जहाँ तक जा सकती है, वो आपके सारे के सारे चीज़ भारतीय संविधान में मिलेंगे। इस प्रकार से भारतीय संविधान को तैयार किया गया। आप जो सोच सकते हैं, चाहे सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, चाहे घूमने फिरने के लिए, आज़ादी जितनी भी चाहते हैं, वो आपको सारा का सारा जो है भारतीय संविधान आपको देता है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है। बशर्ते सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन यही लगाया जाता है कि आपकी आज़ादी से किसी और की आज़ादी का हनन न हो, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात का। आप वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, वो सभी काम कर सकते हैं आप जो आपको अच्छा लगता है, बस उस काम से किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही आपकी आज़ादी का सर्वप्रमुख सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप जितना भी सोच सकते हैं भारत में अपने आज़ादी को लेकर, वो सभी की सभी चीज़ें जो है आपको भारतीय संविधान में मिलेगा। और अनुच्छेद 21 तो इतना बड़ा है कि इस पर तो 200-400 पेज का किताबें लिखी जा सकती हैं, ठीक है, इतना बड़ा आर्टिकल है ये, ठीक है। अगर विस्तार से अगर इसको समझा जाए तो कम से कम मुश्किल से 10 से 15 क्लास तो अनुच्छेद 21 को लेने में ही लग जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप देखेंगे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। क्या किया जाता है, आर्टिकल जो है 21 भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 21 क्या कहता है, आपको देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। इस आर्टिकल का नाम ही है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक। इसमें आपके नेचर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों आते हैं, ठीक। या तो आपको कानून बनाकर दिए गए हैं अधिकार, या तो आपको प्रकृति से प्राप्त जो अधिकार हैं वो भी आते हैं,
ठीक, इस बात का समझ कर देखिएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात जब की जाती है तो इसमें सीधा सीधा लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसको सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इसको छीना जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, भारत में दो प्रकार की विधियाँ चलती हैं। आप देखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और एक यथोचित विधि प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। यथोचित विधि प्रक्रिया क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। इस पर दो दो चार चार क्लास लिया जा सकता है एकदम आराम से। ठीक है, हम लोग 5 मिनट में 10 मिनट में इस पर कभी भी नहीं बात कर सकते। सिर्फ आप ये समझिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अनुच्छेद 21 के जो स्वतंत्रता दी गई है उसको छीना जा सकता है। और जो कौन छीन सकता है, भारत का संसद। ठीक है, भारत का संसद कानून बनाकर आपसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो चीज़ें हैं उसको छीन सकती हैं। सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चीज़ें छीन सकती हैं। और आप इसको नोट डाउन करते रहिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपके कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न है वो भी आता है। विशाखा बनाम राजस्थान केस है इस पर, उसको पढ़िए। विशाखा बनाम राजस्थान केस के पानी की गुणवत्ता को दूषित करना है, ये भी आता है कि शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और जो खाने पीने की चीज़ें उसमें भी वो चीज़ आपका आता है। अगर आप देखिए कि अगर कहीं पर आपको मिलावट जैसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं किसी भोज्य पदार्थ में, चाहे मिठाई में ले लीजिए, चाहे चावल में कंकड़ पत्थर मिलाया जा रहा है, चाहे आटा में बालू मिलाया जा रहा है, मैदा मिलाया जा रहा है, अगर मिलावट की चीज़ें देखने को मिले तो वो आपका अधिकार है कि आप उसको सही तरीके से लें। आप वहाँ पर जाकर कंज्यूमर में आप कंप्लेन करेंगे फूड सिक्योरिटी वाले में, तो वहाँ पर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका ये अधिकार है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस तरह से कि अगर आपको कोई सोने में भी दिक्कत कर रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हैं सही से, तो वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है। आप वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, दूषित पानी नहीं पीने का अधिकार है आपको। ठीक है, आपको अगर कोई दूषित पानी ज़बरदस्ती पिला रहा है तो वो भी आपका अधिकार है कि वहाँ पर आप पुलिस थाने में कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक चिकित्सक द्वारा किसी चिकित्सक द्वारा किसी घायल को चिकित्सीय उपचार नहीं कराया जा रहा है तो वो भी आपका अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है कि आप उससे चिकित्सकीय सहायता ले सकते हैं। तो आप सोचिए कि जहाँ तक आपके विचार जा सकते हैं वहाँ तक ये अनुच्छेद 21 काम करता है। शुद्ध वायु में सांस लेने की जो स्वतंत्रता है वो आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। विवाह करने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आपको जो नाबालिग होने की स्वतंत्रता है, आप देखेंगे कि जो बालिग होने पर जो आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं वो भी आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इतनी सारी स्वतंत्रताएं जो हैं अनुच्छेद 21 लेकर बैठा हुआ है। इतना बड़ा आर्टिकल है कि इस पर हम लोग 2-4 क्लास 10 से 15 क्लास आराम से ले सकते हैं। 250 से 400 पेज आप इस पर लिख सकते हैं। और आपको हम एक बुक बता रहे हैं तो मान के चले कि हम लोग तो लॉ के भी स्टूडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो जो एक जैन आर आर पांडे करके हैं, उनकी पुस्तक आप पढ़िए। उसमें अनुच्छेद 21 को इतने अच्छे से डिफाइन किया गया है जैन आर आर पांडे के पुस्तक में। तो आप वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित पुस्तक है, उसको मौलिक अधिकार में आप देखेंगे कि कम से कम 500 से 600 पेज होगा आपका, 400 से 500 पेज आपके मौलिक अधिकार के लिए ही है उनका। ठीक है, पुस्तक। तो इस प्रकार से आप समझिए कि अनुच्छेद 21 कितना बड़ा है और कितना स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मृत्यु दंड की बात कही गई है, मृत्यु दंड जो है आपका ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि अनुच्छेद 21 का जो बात करता है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर आपको जीने की स्वतंत्रता है लेकिन मरने की स्वतंत्रता नहीं देता है ये। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अगर वो बच जा रहा है तो उस पर पेनाल्टी भी सरकार लगा सकती है, कोर्ट पेनाल्टी लगा सकती है, उसको सजा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मरने की स्वतंत्रता नहीं है, जीने की स्वतंत्रता है। ठीक, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मृत्यु दंड जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, ये आपका आईपीसी का भाग है। ठीक है, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का भाग है आईपीसी का। ठीक है, मृत्यु दंड आपका किसका भाग है, आईपीसी का भाग है ये। ठीक है, ये किसका भाग है, ये आपका आईपीसी का भाग है। आप मूवी वूवी में सुने होंगे कि दफ़ा 302 के तहत, दफ़ा 304 के तहत, दफ़ा 306 के तहत, तो वो आपका आईपीसी की बातें की जाती हैं इसमें। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, आईपीसी की बात है मृत्युदंड। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोग अनुच्छेद 21 को समझिए और अपने अधिकारों को जानिए, और देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए कि वो 6 प्रकार के कौन से अधिकार हैं और उस पर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाए जाते हैं। वो सभी आपके अधिकारों के बारे में बताते हैं और उनको आप जानेंगे तो आप लोगों का जो शोषण की चीज़ें देखने को जो मिलता है, जो करप्शन देखने को मिलता है भारत में, वो कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, ये आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है और इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे। क्या पूछा है? राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक यह हुई थी। आप क्या देखेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ, जो संविधान लागू हुआ 1950 में, भारत आज़ाद 1947 में हुआ, और 1951 में आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो जीतते हैं, भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनते हैं। ठीक है, और भारत में लोकतंत्र आप लोग जानते ही हैं कि लोकतंत्र में जो सदनें होती हैं, जो भारत में कितने सदन हैं, 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की जो सर्वप्रथम बैठक हुई तो इसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। ठीक है, तो वो कब हुई थी? 1950 से क्या होता, छोड़ ही दीजिए आप, 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 1951 में आम चुनाव हुए थे भारत में, तो आप जाहिर सी बात है कि चुनाव होने के बाद ही तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन होगा। ठीक है, तो 1951 के बाद की जो घटना है, आप देखेंगे कि 1952 में लोक राज्यसभा का गठन होता है। ठीक है, और इसको राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। ठीक, राज्यसभा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको भी नाम बदला जाएगा, अभी हम बता रहे हैं कब बदला गया था। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब देखेंगे कि ये आपका लिया गया है जो ब्रिटेन के संसद है वहाँ पर, जो संसदीय प्रणाली भारत में है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से मेल खाती है, वहीं से लिया गया, ब्रिटेन से ही। और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि 2 सदन पाए जाते हैं वहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पर, जिसे लोकसभा राज्यसभा वहाँ के अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर राज्यसभा को आप देखेंगे क्या बोला जाता है, हमने बहुत सारी संसद के बारे में बहुत सारे क्लास में बताए हैं कि राज्यसभा को वह अपर हाउस और द्वितीय सदन बोला जाता है। ठीक, समझ रहे हैं, द्वितीय सदन और अपर हाउस, तो काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। और इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक, 1952 को गठन हुआ। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को सन भी पूछ लेता है, डेट भी पूछ लेता है, क्योंकि ये आपके भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात किया जा रहा है। तो डेट और सन आप लोगों को पूरा याद होना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से कि राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है। और ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है, तो राज्यसभा को बोला जाता है। और राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखिए कि 13 मई 1952 को राज्यसभा में इसकी पहली बैठक हुई। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी राज्यसभा में? 13 अप्रैल 1952 को, 13 मई 1952 बैठक, पहली बैठक हुई। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, राज्यसभा की जो पहली बैठक है आपकी 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए कि राज्यसभा का जो अध्यक्षता किया था वो कौन थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है ना। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है सभापति। तो उसमें जो सभापति थे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली जो डॉक्टर हैं, जो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन ये है आपके जो राज्यसभा के सभापति, जो पहले सभापति। ठीक है, कौन है, प्रथम सभापति, हम लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, जो प्रथम सभापति हैं यहाँ पर राधाकृष्णन है। और तीसरा देखिए, तीसरी जो बात है, 23 अगस्त 1954 को, 23 अगस्त 1954 को सभापति ने
ठीक है, सभापति ने, तो आप समझ जाएंगे कि सभापति कौन है यहाँ पर। ठीक है, 1954 की तो बात हो रही है बस। ठीक, तो यहाँ पर सभापति कौन है? सभापति कौन है? यही तो है राधा कृष्णन। सभापति ने घोषणा किया कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा नाम से होगी। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा नाम से होगी। ठीक, ये चीज़ समझ रहे हैं कि कब हुआ था? 1954 में। कि ठीक, किसने किया था? सभापति ने। कौन सभापति हैं? वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। ठीक है, और ये कौन है? आपके जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही जो है आपका देखेंगे कि राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई कि 1952 में आप देखेंगे कि 3 अप्रैल 1952 को आपका राज्यसभा का गठन होता है, 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है, और देखेंगे कि 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बना दिया जाता है। ठीक है, और एक बात ये है कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के 80 के तहत होता है। ठीक है, अभी हम लोग तहत किया जाता है, इस समय हम लोग राज्यसभा के बारे में बात नहीं किया जाएगा, कितने सदस्य होते हैं, कहां कहां से आते हैं, कि कौन कितने मनोनीत होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम बनाया गया है भारत में वर्तमान समय में, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के सीटों को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसके चीज़ों के बारे में, सीटों के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, 80 के तहत किया जाता है। ठीक, जब नया डाटा आएगा राज्यसभा से लेकर, तो उस पर हम लोग बात किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका राज्यसभा से जो प्रश्न बने उसको हम लोगों ने देखा, तो चलिए हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, पहले अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन दिया है, और उसके बाद दिया है कि उस संविधान संशोधन में क्या किया गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन की मताधिकार की आयु 18 से 21 वर्ष बढ़ाया गया। ठीक, 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। ठीक है, 38वां संविधान संशोधन, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, आप अगर संविधान संशोधन पढ़े हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी, अगर नहीं पढ़े हैं तो इनसे ऐसे प्रश्न आप लोग मत करिएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इस तरह से सोच कर देखिए कि 61वां संविधान संशोधन में आप जानते हैं कि मताधिकार के आयु को निर्धारण किया गया था, उसमें बढ़ाया नहीं गया था। अगर वर्तमान समय में आप लोगों को जो मताधिकार के आयु अगर पता होगी वो कितने वर्ष है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मताधिकार का आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वहाँ पर मत का अधिकार दिया गया है, कि यानी कि वोटिंग राइट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को वोट दे सकते हैं, अगर कोई चुनाव लड़ा जा रहा है तो वहाँ पर वोट देने का अधिकार जो है उसे मताधिकार कहा जाता है। वो 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के जितने भी लोग हैं यहाँ पर भारत में, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तो ये बढ़ाया नहीं गया था, ये 21 से 18 वर्ष घटाया गया था। ठीक है, इस बात का समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो यही ऑप्शन जो है आपका गलत है, पहला ही वहीं पर आप समझ जाएंगे कि यही चीज़ जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मताधिकार के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था उसको उठाकर 301 में किया गया। इस तरह से 301 नहीं है, वो 300 ऐसे है,
300 इसको आप क लिखिए चाहे एक लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। 300 क में किया गया, ठीक है। हम क बोल रहे हैं तो इसलिए आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 300 क में आपके संपत्ति का अधिकार देखने को मिलता है। और न्यायिक पुनरीक्षण की बात करें तो यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है जिसे किसी भी कानून की समीक्षा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट भी कर सकता है। और यह शक्ति कहाँ पर निहित है, आप देखेंगे कि अनुच्छेद 13 में है, जो फंडामेंटल राइट्स है आपका मौलिक अधिकार का, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जिससे सुप्रीम कोर्ट भारत में किसी भी कानून का समीक्षा कर सकता है, 1973 के बाद के जितने भी कानून हैं उनकी समीक्षा कर सकता है, चाहे वो शेड्यूल 9 की ही क्यों ना हो, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 9 की ही क्यों ना हो। तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वहाँ पर किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन के बारे में बात करें, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी कि छोटा संविधान बोला जाता है। उसमें इतनी सारी बातें की गई थी 42वां संविधान संशोधन में कि आप देखेंगे कि उसको पढ़ेंगे तो वो आपका एक पेज दो पेज का वो संविधान संशोधन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में अगर यहाँ पर उद्देशिका लिख देता है तो वो भी सही होगा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता जो शब्द जोड़ा गया है उद्देशिका में प्रस्तावना में, वो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हैं, आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे चैनल से जुड़ते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप लोगों को लाइक करिए, और अपने सुझाव जो है हमारे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे देते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद।